बॉडी पे जख्म है, दिखाओ दिखाओ जख्म। ऐसे जख्म पूरे बॉडी पर है, पूरे टांगों पर है, सारी ऊपर तक है, तो ताकत है। यस खुदा, खड़े रहो। यस खुदा, जो भी शैतान ने इसे रोक दिया, ये अंधकार की गंदी खारिश देने वाली आत्मा टूट, यीशु मसीह के नाम से इसकी बॉडी से शरीर से शट शट, द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इस ब्रदर का नाम सुखविंदर सिंह है और जो महलावाल गांव के रहने वाले हैं। इस ब्रदर की गवाही जे जे बता रहे हैं कि 6 महीने हो गए इनकी टांगों पर बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी। पहले छोटे छोटे दाने हो जाते थे और वो रेशे से भर जाते थे, पानी से भर जाते थे, और बहुत ज़्यादा जो बता रहे हैं कि उसके कारण जो परेशान थे। जो बता रहे कि जो रोज इस सेप्टोरॉन की मेडिसिन खा रहे थे, फिर भी जो बता रहे कि फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और रोज ये मेडिसिन खाते थे, और जब बता रहे कि रात के समय सोने के भी टाइम इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी, दर्द रहती थी, क्योंकि जो टांगों में बहुत ज़्यादा ऐसे जख्म हो गए थे। पहले तो छोटे छोटे दाने थे, फिर रेशा पस होने के कारण फिर वो बड़े बड़े घाव बन गए, जख्म बन गए थे, और जिसके कारण जैसे जो कपड़े पहनने में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती, क्योंकि जो कपड़े थे वो भी जख्म पर ऐसे लग जाते थे, और जिसके कारण जो काफ़ी परेशान थे। और जो बता रहे कि लगातार सिर्फ सेप्टोरॉन की ही मेडिसिन ले रहे थे, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। ऐसे जो बता रहे कि इसके लिए जो प्रेयर भी कर रहे थे, और जो बता रहे पर फिर भी जो बता रहे जो विश्वास हमें परमेश्वर को देना चाहिए वो इनसे नहीं था दिया जा रहा, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी। चलने फिरने के समय भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जो गाँव थे इनमें रेशा पस भर गई थी, तो जैसे जो चलते फिरते थे उनसे भी रेशा निकलता था, तो जिसके कारण जो काफ़ी तकलीफ में थे। और जो बता रहे कि पहले भी इसके लिए इन्होंने लेन करवाई थी, और पर जैसे कि जो विश्वास इनसे हो नहीं रहा था, और फिर भी लेन होने के बाद भी जो मेडिसिन पर इनका मन लगा था, जो बता रहे कि जो मेडिसिन ही खा रहे थे, लेन तो हुई थी, पर जैसे अभी 7 अप्रैल को इनके लिए लेन हुई थी इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और फिर जब इन्होंने विश्वास से लेन कराई कि परमेश्वर अब मैं मेडिसिन पर अपना मन नहीं लगाऊंगा, जैसे इनके लिए लेन हुई थी। अब हम उस वीडियो को स्क्रीन पर देखते हैं। बॉडी पे जख्म है, दिखाओ दिखाओ जख्म। ऐसे जख्म पूरे बॉडी पर है, पूरे टांगों पर है, सारी ऊपर तक है, तो ताकत है। यस खुदा, खड़े रहो। यस खुदा, जो भी शैतान ने इसे रोक दिया, ये अंधकार की गंदी खारिश देने वाली आत्मा टूट, यीशु मसीह के नाम से इसकी बॉडी से शरीर से शट शट, द नेम ऑफ जीसस। सारी ये गंदी खारिश देने वाली आत्मा शट, द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। जो पानी पीते हो ना, पानी जो पानी पीते हो ना, सुनो ध्यान से सुनो, जो रोज पानी पियोगे ना, धन्यवाद करके उसको पानी को भी पीना और इन पर भी लगाना, ठीक है। पानी से जख्म खराब होती है, पर खुदा की सामर्थ्य से अच्छा आता है सब कुछ। जैसे इन्होंने जो बता रहे कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा लेहंड हुई थी, इन्होंने विश्वास किया कि अभी जो मेडिसिन पर अपना मन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा 6 महीने से जो मेडिसिन इन्होंने खा ली सेप्टोरॉन की, पर कोई भी फर्क तो पड़ा नहीं, और विश्वास किया, धन्यवाद दिया कि परमेश्वर जो सामर्थ आज परमेश्वर आपके दास के द्वारा मेरे लिए लेंड हुई, आज परमेश्वर आपकी सामर्थ ने मुझे छू लिया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे इस प्रॉब्लम से पूरी तरह फ्री कर चुके हो। और जो बता रहे कि 7 अप्रैल को इनके लिए लेंड हुई थी, और एक ही हफ्ते में जो भी इनकी दोनों टांगों पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जख्म थे, पहले छोटे छोटे दाने थे, उनमें पस रेशा भर गया, और फिर वो बड़े घाव बन गए थे, जख्म बन गए थे। जो बता रहे
एक ही हफ्ते में पूरी तरह परमेश्वर ने अपनी समस्त इन्हें सुखा दिया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देख सकते ग्लीसिया पूरी तरह परमेश्वर ने फ्री कर दिया। सिर्फ निशान ही रह गए, दाग है, पर जो जख्म थे बस रेशा भरा हुआ था। चलने फिरने में इन्हें तकलीफ रहती थी, सोने के समय कपड़े पहनने में। आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इन्हें पूरी तरह से आजाद कर दिया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे ग्लीसिया जोर से। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य और उसके लिए कोई भी काम बड़ा के बड़ा है। एक साल से ये भाई साहब छह महीने से ये भाई साहब परेशान थे। हाँ, कितनी मेडिसिन खा ली, क्या कुछ किया, कोई आराम नहीं। आपने अभी वीडियो में देखा कैसे वो जख्म पूरे फूले हुए थे, उनमें रेशा पस भरता था। ऐसे जहां जहां पे आपको दाग दिख रही ना, ऐसे वो जख्म बनकर ऊपर को चमड़ी फूलकर ऊपर को आ गई थी। बोलो क्या आ गई थी? और कहां पे थे ये निशान? आपकी पीठ पर भी है ना, पीछे भी। और ये 6 महीने से परेशान थे। हाँ, पर जब खुदा ने शुआ, उसके रू ने शुआ इन्हें, तो कितने दिन में हो गया ये सारा कुछ? एक हफ्ते में? हाँ जी, बताओ। एक ही हफ्ते में बिल्कुल ये भले चंगे हो गए। आपने अभी वीडियो क्लिप में देखा कि जिस दिन इन पर ले हैंड हुई, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की उस दिन, और इन्हें मैंने कहा जो पानी पीते हो चाहे उस पानी को भी अपने जख्म पर रोज लगाना। आपको पता जब ऐसा होता है तो जख्म होते हैं पानी से क्या हो जाते हैं, खराब होते हैं। क्या होते हैं? आपने ऐसा भी किया? आपने ऐसा भी किया था? नहीं, ऐसा तो नहीं किया है ना, पर अगर करते भी तो भी इन्होंने क्या हो जाना था, पर नहीं किया तो भी परमेश्वर ने कुछ ही दिनों में इन्हें क्या कर दिया, जो 6 महीने से परेशान थे। बोलो क्या थे? जो 6 महीने से परेशान थे, अब सिर्फ देखो खाली दाग दाग नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से ऐसे स्किन को, पूरी तरह से चमड़ी को साफ कर दिया है, कोई जख्म नहीं रहने दिया। जबकि पहले कितनी मेडिसिन खा रहे थे, क्या कर रहे थे, और कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, कोई ट्यूब वगैरह भी यूज की उसके ऊपर? हाँ, कोई ट्यूबे वगैरह भी लगाई? हाँ, बहुत कुछ किया पर कुछ नहीं हुआ ना। निम भी पीती थी। और क्या किया? वो दवाई भी खाते रहे, सब दवाई खाते रहे। कोई फर्क नहीं पिया। पर जब खुदा ने शुआ, उसका हाथ इनके सिर के ऊपर आया, तो कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल फ्री कर दिया। आज आपके सामने है, कोई जख्म नहीं, कोई रेशा नहीं, कोई पस नहीं है, भले चंगे हैं। बोलो क्या है? और इस बड़ी मुसीबत से खुदा ने फ्री कर दिया है। तारीफ करो दोनों हाथों को उठाकर, जोर से तारीफ करो दोनों हाथों को उठाकर।